लेकिन सर जो के बड़े स्टार के लड़के शामिल हैं, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी, उनके लड़के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, एनसीबी का काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है, ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना, और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों, कार्रवाई होगी। क्या इस तरह की जो आयोजन हो रहे हैं, जिस तरह की जहाँ पर छापे पड़े हैं एनसीबी का, इस तरह के पार्टियों में जुड़े पार्टी हो रहा है, ये पहली घटना है? इससे पहले भी बीच में हाल के दिनों में आप लोग को इनपुट मिला कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है? देखिए, होटल्स में पार्टीज और रेव पार्टीज रेजिडेंशियल एरियाज में, इसके बारे में तो पहले भी इनपुट्स आई हैं और कार्रवाई भी हुई है, और ये कोई नई बात नहीं है, मुंबई में हो चाहे अर्बन दूसरे अर्बन सेंटर्स में हो। लेकिन ये कार्रवाई इसलिए की जाती है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यूथ जो है ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तो इसी के लिए कार्रवाई लगातार की जाती है।